नमस्कार, मेरा नाम सुनील सरन है और आप देख रहे हैं स्वतंत्र न्यूज़। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। इस दिन एक नया इतिहास लिखा गया। शायद इतिहास में पहली बार एक राष्ट्र अध्यक्ष के जन्मोत्सव पर उसकी युवा प्रजा ने उसे यह उपहार दिया होगा। इतिहास में अब ये भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, रोम की नारों की तरह या फिर फ्रांस के लुईस 16 की तरह। याद यह भी रखना पड़ेगा कि क्रांति के सफल होने का यह मकसद नहीं होना चाहिए कि तख्त बदल जाए। मकसद तो दुख दूर करने के होते हैं, पर दुनिया की किसी भी क्रांति ने सिर्फ तख्त ही पलटे हैं, बाकी हालात तो पहले से भी बहुत बुरे हैं। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर का उदाहरण आपके सामने है, आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे अपने बेरोजगार दिवस वाले को भी विरोधी तानाशाह ही मानते हैं और इतिहास ये याद रखेगी कि तानाशाह का जन्मदिन किस तरह बनाया गया और किस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया था। खैर, लोकतंत्र है, विपक्ष है, आज़ाद युवा है, प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाया जा सकता है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो हाल है, ठेकेदार, अफसर, नेता निरंकुश हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार की बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बंगलों के बीच मेहनत कश युवा खुद को देखता है तो निराश होता है और उसकी निराशा बिल्कुल भी जाहिर है। प्रधानमंत्री ने जितना गरीबों के लिए और उद्योगपतियों के लिए किया, उन्होंने उनको शायद उतने वोट भी नहीं दिए होंगे जितने मध्यम वर्ग के लोगों ने दिए। पर जब सरकार से मदद की आस लगाता युवा जब नौकरी को नहीं पाता है, बस के धक्के, 8 से 10 हज़ार की प्राइवेट नौकरी कम, शोषण ज़्यादा, बढ़ता हुआ किराया, रोज़गार, बढ़ती महंगाई को देखता है तो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी करेगा। युवा सपने को ना मनरेगा से मतलब है, ना ही बीपीएल कार्ड से, ना ही आयुष्मान से, कोई भी योजना युवाओं के लिए नहीं है। युवाओं की एक ही योजना आज है, वो है मुद्रा लोन। जिसको मिल गया उसने पूरा जेब में रख लिया, जिसको ना मिला उसने बेरोजगार दिवस मनाया। बैंक शायद ऐसे ही 32 लाख करोड़ में डूबा बैठा है। स्किल इंडिया का नाम लेने वाले कोई नहीं है, रोजगार मेला बस इंश्योरेंस एजेंट और चौकीदार ही बनाता है। सरकारी नौकरी की संख्या वैसे भी काफ़ी कम होती है और शायद 137 करोड़ के देश में 70 से 80 लाख, उसमें भी कई पद खाली हैं और उसे भी भरने की मंशा सरकार की अभी तक नहीं है। जब युवा 20 साल पढ़ लेता है तब सरकार कहती है कि शिक्षा का पैटर्न रोजगार मुखी नहीं है, देश को नई शिक्षा नीति चाहिए जिससे रोजगार मिले। चलो ये भी बात मान लेते हैं, पर जिन 2-5 करोड़ लोगों ने कौशल विकास योजना से जुड़े, उनके रोजगार का क्या होगा? अब आते हैं जीडीपी पर। देश की स्थिति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब जीडीपी 8 से 10% से बढ़ती है तो प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार बढ़ता है। अब ये -23% है तो कितने बेरोजगार हुए होंगे? समस्या कहाँ है? देश का 90% अर्थव्यवस्था 5 से 6 महानगरों में है, पर यह भी मूलभूत सुविधा नहीं है। शहर बहुत बड़े हैं, मकान बहुत बड़ा है, उतनी ही परिवहन की भी सुविधा है, पर औसत आय उतनी ही कम है। ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों की भी स्थिति यही है और खराब ही है। 50% से ज़्यादा आबादी युवा हैं, उसमें से भी 90% बेरोजगार हैं, अवसर ही नहीं है। आक्रोशित युवा आज बेरोजगार दिवस मना रहा है, कुछ समय पहले ये पकोड़ा फेस्टिवल भी मना चुका है। पर सुकून की बात यह है कि गांधी के देश का युवा आक्रोश को गांधीवादी तरीके से ही व्यक्त कर रहा है। अब प्रधानमंत्री के प्रयास क्या रहे, सफलता क्या रही और असफलता क्या रही, थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं। मोदी सरकार ने 16 करोड़ मुद्रा लोन बांटे, 20 करोड़ को रोज़गार तो मिला, पर इनमें से लगभग 16 करोड़ लोग पहले से ही उसी व्यवसाय में थे और ज़्यादातर को 50,000 तक का ही कर्ज मिल सका। परिणाम आशंकित सफल कौशल विकास के तहत 90% असफल ही रही। सरकारी नौकरी और बहाली में हर विभाग की बहाली और सीट पर 50 से 90% तक की कमी हुई। 3 साल में SSC का परिणाम नहीं आ पाया, ना ही रेलवे की परीक्षा हुई। स्टार्टअप
जैसे ओयो, ओला, स्विगी, उबर, अमेजन आदि ने लगभग 2 करोड़ नौकरियां दी पिछले 3 सालों में, पर कोरोना में आधे फिर से बेरोजगार हो गए। टेलीकॉम, निर्माण, टेक्सटाइल लगातार घाटे में चल रही है। ठेकेदारों का अच्छा विकास हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम हुआ है और नौकरी भी मिली है, पर ये नौकरियां ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सड़क, पोर्ट, बिजली, विमान क्षेत्रों में भी काम हुआ है। प्रधानमंत्री को प्रयास में हम देते हैं 70% अंक सरकारी नौकरी की संख्या घटाकर, परिणाम में मात्र 20% ही अंक दिया जा सकता है। स्टार्टअप की नौकरी और मुद्रा से लगभग 3 से 4 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए हैं, उनमें से भी कोरोना से भी बुरी तरह से प्रभावित हैं, और युवाओं को ना कोई भत्ता दिया गया ना ही कोई सुविधा। भविष्य, भारत के युवाओं का भविष्य उज्जवल है क्योंकि निर्माण क्षेत्र की संभावना बन रही है। निराशा के बाद भी फंडामेंटल मजबूत हैं, बैंक मजबूत है, विदेशी निवेश भी आ रहा है, बाजार में डिमांड भी है। सरकार को सावधानी के साथ अवसर बुनना ही चाहिए, नहीं तो आक्रोशित युवा कुछ करे ना करे पर सत्ता तो ज़रूर ही पलट देगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।